ये डिस्कस किया था, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड उसकी जो प्रोसीजर है। फिर अकॉर्डिंग टू दिस स्टेनिंग प्रॉपर्टी देर आर डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, दे आर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। इनमें भी कुछ डिफरेंसेस है, जैसे कि इनके सेल वॉल में कुछ कंटेंट अलग अलग होते हैं। समबडी इज हैविंग कैमरा ऑन। हाँ यस सर, जी सुनी लागल को। नहीं नहीं अजून काही दिसायचं काही प्रश्नच नाही ना, रेकॉर्डिंग आपला कॅमेरा, हां बोर्ड बोर्ड नाही आहे, हां बोर्ड नाही दाखवला, ठीक आहे। ओके सो व्हाट, कॅमेरा माइक बंद कर दे, माइक बंद कर, डिस्टर्ब मत करो बीच में, माइक बंद करो। आय विल आस्क यू शिवाजी धुळे, ये आपका माइक ऑन है, बंद कर दो, ठीक है। सो एस्टरडे वी हैव सीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं और उसकी स्टेनिंग टेक्निक क्या होती है। डिपेंडिंग अपॉन दिस स्टेनिंग टेक्निक द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम बैक्टीरिया, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर, जैसे कि निमोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टैफिलोकोकस है, बैसिलस है, क्लोस्ट्रीडियम है, माइकोबैक्टीरियम है, स्ट्रेप्टोमाइसिस है, दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव। एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर साल्मोनेला टाइफी, सुडोमोनास, इशिरिशिया कोलाय, हीमोफिलस, हेलिकोबैक्टर, विब्रियो, राइजोबियम, दीज आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। स्टेनिंग प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ ली, बट वाई दीज आर टेकिंग स्टेन एंड वाई दीज आर नॉट टेकिंग स्टेन, वाई दीज आर ग्राम पॉजिटिव एंड वाई दीज आर ग्राम नेगेटिव, इसके जो डिफरेंसेस है लिटिल बिट स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हम लोग कलेक्ट करेंगे। पूरा स्ट्रक्चर कलेक्ट होने के बाद मुझे याद दिलाओ आप लोग, यस वी हैव टू स्टडी द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। ओके नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट दिस स्क्रीन एंड यू विल सी द बोर्ड। नाउ बोर्ड आपको दिखेगा, बोर्ड दिखेगा आपको, देखने के बाद आई विल आस्क यू कैन यू सी द बोर्ड लाइक दिस, यस दिस इज द बोर्ड, नाउ इट इज ओपन। ओके सो वी आर गोइंग टू स्टडी द सेल स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज द एक्चुअल सेल स्ट्रक्चर, हमने देखा साइज, हमने देखे शेप्स, हमने देखा स्टेनिंग प्रॉपर्टीज। ओके साइज, शेप एंड स्टेनिंग प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इज सेल स्ट्रक्चर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू मे अनम्यूट एंड टॉक टू मी। ओके आप लोग मेरे साथ बात कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो बीच बीच में यस सर, नो सर, बीच में कोई रिस्पॉन्स करना नहीं है आपको। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द सेल स्ट्रक्चर। Are you able to see the board now? Yes? Yes, sir. Okay, okay. So, what is written there? Kya likha hua hai? Cell structure. Haan. Haan. Okay. So, yesterday we talked about ki bacteria very small hote hai, individuals, unki size kaafi choti hoti hai. To, unko under electron microscope padhai karna padega. Okay. तो बाद में हमने एक डायग्राम ली थी, कल की डायग्राम, और वो डायग्राम के हिसाब से अगर हमने सबसे बाहर इसका लेयर देखा तो सबसे बाहर का जो लेयर था ये वाला सबसे बाहर, एंड उसके अंदर दूसरा, उसके अंदर तीसरा। ओके सो आउटर मोस्ट कवरिंग, दैट इज ये तीनों को मिलके सेल एनवेलप कहते। ओके इसमें है म्यूसिलेज, सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे तीन स्ट्रक्चर है। सबसे बाहर का है म्यूसिलेज। ओके म्यूसिलेज को दूसरा नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। तो पहला स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे सबसे बाहर का, आउटर टू इनर हम लोग जा रहे, सो इट इज म्यूसिलेज, या फिर इसी का अल्टरनेटिव नेम है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइको कैलिक्स, ठीक है, GLYCOCALYX।
CALYX ग्लाइको कैलिक्स, म्यूसिलेज का अल्टरनेटिव नेम है ग्लाइको कैलिक्स। ठीक है, सो नंबर वन डाल के हम लोग ग्लाइको कैलिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे अभी कि व्हाट दैट ग्लाइको कैलिक्स इज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द आउटर मोस्ट कोटिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल। इट इज द आउटर मोस्ट कोटिंग, कोटिंग मीन्स कवरिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट स्ट्रक्चर के बारे में। म्यूसिलेज के लिए सर हम हम, कोटिंग को लेयर भी बोल सकते ना। यस 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 यस, वो मैंने बोला अभी, कोटिंग मीन्स लेयरिंग। बंद कर दे माइक, बंद कर दे। ओके, सो आउटर मोस्ट कोटिंग या फिर कवरिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल इज म्यूसिलेज और ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, इट इज रिच मीन्स बहुत ज़्यादा है इसमें। क्या है ज़्यादा इसमें? इट इज़ रिच इन पॉलीसैकेराइड्स, इसमें बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा हमें? पॉलीसैकेराइड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसका, म्यूसिलेज का, आपका पॉइंट चल रहा म्यूसिलेज या फिर कोटिंग। सबसे बाहर का कोटिंग जो है दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइको कैलिक्स। वी आर राइटिंग अबाउट ग्लाइको कैलिक्स या फिर म्यूसिलेज। म्यूसिलेज के बारे में लिख रहे हैं हम लोग। एंड वी हैव रिटन टू पॉइंट्स, इट इज आउटर मोस्ट कोटिंग और कवरिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल। एंड सेकेंड लाइन हमने लिखी कि इट इज रिच इन पॉलीसेकेराइड। ओके, रिच है मतलब क्या? ज़्यादा है उसमें, मतलब अदर सब्सटेंसेस भी उसमें हो सकते। तो व्हाट आर दोज अदर सब्सटेंसेस? सो वी आर गोइंग टू राइट थर्ड लाइन, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड ये है प्रोटीन्स, पॉलीपेप्टाइड को प्रोटीन्स बोलेंगे हम। मे अल्सो ऑकर, पॉलीपेप्टाइड भी इसमें मिलेगा। ठीक है, ये हो गई उसकी बनावट। उसके बाद इसी का नेक्स्ट पॉइंट, ग्लाइकोकैलिक्स का नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि इसको कभी स्लाइम लेयर बोलते हैं, कभी कैप्सूल बोलते हैं। तो व्हाई इट इज कॉल्ड सो? तो इसके पीछे कॉज है, अ लूज शीथ। नेक्स्ट पॉइंट, अ जस्ट मिनट, पेन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। आई एम राइटिंग अ लूज शीथ, ये वाला नहीं लिखना है, अ लूज शीथ। शीथ का मतलब भी कवरिंग है। इज कॉल्ड स्लाइम लेयर, SLIMELAYER, स्लाइम लेयर। इसको स्लाइम लेयर बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स को। कब बोलेंगे? व्हेन इट इज लूज, ढीला अगर है तो। जैसे कि हमारे कपड़े होते हैं, हमारे बॉडी के हिसाब से लूज होते हैं। तो ऐसा अगर है कवरिंग स्लाइम लेयर का या म्यूसिलेज का, ग्लाइकोकैलिक्स का, तो उसको नाम दिया स्लाइम लेयर। ठीक है, इसके बाद अगर दूसरा कंडीशन है, ये कंडीशन है कि ये ग्लाइकोकैलिक्स इज लूज, देन इट इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर। थीक, बहुत ज़्यादा मटेरियल है मतलब थीक बन गया। थीक एंड टफ मतलब मजबूत, टफ। म्यूसिलेज इज कॉल्ड, सर वो लूज के बाद क्या है? किधर लूज के बाद? शीत है, शीत। इतना लेट, अ लूज शीत इज कॉल्ड ए स्लाइम लेयर। तुरंत लिखना चाहिए मेरे साथ साथ, लिखना चाहिए आप लोगों को। डोंट वेट फॉर एनीथिंग। ओके, नेक्स्ट लाइन इज अ थीक, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं नेक्स्ट लाइन को। अ थीक एंड टफ, TOUGH, टफ। म्यूसिलेज इज कॉल्ड
कैप्सूल, CAPSULE, कैप्सूल, इसको नाम होगा कैप्सूल। ओके, तो दो टाइप के मिसलेज हमें मिल सकते हैं, एक लूज मिलेगा तो दूसरा थीक एंड टफ मिलेगा। अगर लूज है तो उसका नाम है स्लाइम मोड, सॉरी स्लाइम लेयर, एंड अगर वो टफ है, थीक है, ऐसा थीक और टफ है, देन इट इज कॉल्ड एज कैप्सूल। सो ये आप लोगों ने लिख लिया, ठीक है। अब जनरल, फिर से ये इसके दो नाम हो गए, ये पता लग गया हमें, फिर से जनरल बातें हम लोग करेंगे म्यूसिलेज के बारे में। तो म्यूसिलेज क्या करता, इट गिव्स गमी, गम के जैसा, और स्टिकी, चिपचिपाहट वाला, ट्रेट टू सेल, ट्रेट मतलब कैरेक्टर, ट्रेट टू सेल। जो सेल है उसको ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से गमी या फिर स्टिकी ट्रेट मिल गया, मतलब वो कहीं पर जाके चिपक सकता, स्टिकी हो सकता, उड़ के नहीं जाएगा। ग्लाइकोकैलिक्स अगर नहीं है सेल के पास तो वो मरेगा ऐसा नहीं होता, वो जिंदा रहेगा। लेकिन ग्लाइकोकैलिक्स अगर है तो फिर क्या काम वो करेगा, क्या फंक्शंस वो करेगा, इसके फंक्शंस हमें लिखने हैं। तो फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, इट इज इसेंशियल नहीं है वो, इट इज़ नॉट इसेंशियल, नहीं भी रहा तो बैक्टीरिया कैन सर्वाइव। वो भी हम लोग लिख लेते हैं कि दो नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल मतलब जीने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन है तो फिर क्या काम करेगा, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइको कैलिक्स हैज सेवरल फंक्शंस, हैज सेवरल फंक्शंस। क्या क्या फंक्शन करेगा वो हम लिखेंगे अभी। नंबर वन, अगर ये आउटर मोस्ट लेयर है तो वो प्रोटेक्शन करेगा। सो कैसा प्रोटेक्शन, इसका फंक्शन हम लोग लिखेंगे नंबर वन ग्लाइकोकैलिक्स का, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेसिकेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन मतलब सूख जाना, ये सूखने से बचाता है इसको, प्रोटेक्ट फ्रॉम डेसिकेशन मतलब सूखने से बचाएगा, इसमें का वाटर कंटेंट लॉस नहीं होने देता ये लेयर, एंड देयरफॉर इट इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन का मीनिंग है सूख जाना, तो ये सूखने नहीं देता इसको। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन नहीं भी रहा तो जी सकता बैक्टीरिया और दिस सेल। नंबर सेकंड फंक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉक्सिन्स, कोई अगर जहरीला सब्सटेंस उसके आजू बाजू में तो वहाँ से वो प्रोटेक्ट करता है इसको, प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स का मतलब है पॉइजनस सब्सटेंसेस, टॉक्सिन्स, सो टॉक्सिन से इसको प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट फंक्शन नंबर थर्ड, तीसरा फंक्शन ग्लाइकोकैलिक्स का, प्रिवेंटिंग होस्ट फैगोसाइटोसिस, प्रिवेंटिंग होस्ट, जिसके ऊपर ये जिएगा वो उसको फैगोसाइटोस नहीं कर पाएगा, होस्ट मतलब जिसके ऊपर ये जी रहा, पैरासाइट है ये। सो प्रिवेंटिंग होस्ट फैगोसाइट्स, फैगो साइट, PHAGO साइट्स, हमारे बॉडी में कुछ सेल्स है कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा डालते हैं, ऐसे सेल्स को फैगोसाइट बोलते हैं। सो प्रिवेंटिंग होस्ट फैगोसाइट्स टू गेट अटैच्ड टू दी बैक्टीरियम, बैक्टीरियम।
मतलब ये फैगोसाइटिक सेल को अपने साथ चिपकने नहीं देगा, उसको अलग रखेगा। ओके, ये भी फंक्शन है। नंबर फोर फंक्शन है कि अगर कोई वायरस इसको चिपकने की कोशिश करेगा तो उसको भी ये प्रिवेंट करेगा। सो नंबर फोर इज प्रिवेंटिंग अटैचमेंट, प्रिवेंटिंग अटैचमेंट। ऑफ वायरसेस, वायरसेस अगर इसको अटैच करने की कोशिश करेगा तो उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा। नंबर फाइव, अगर दो बैक्टीरियम हैं जैसे कि डिप्लोबैसिलस डिप्लोकोकस हमने कल देखा, तो इनको एक साथ रखने के लिए हेल्प करता, मतलब होल्डिंग सेल्स टुगेदर, एक साथ रखने के लिए हेल्प कर रहा, होल्डिंग सेल्स टुगेदर। और एक फंक्शन है आयन एक्सचेंज, उसको अगर कोई आयन्स मैग्नीशियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम आयन अगर लेना है या बाहर छोड़ना है तो उसका एक्सचेंज करने के लिए ये लेयर हेल्प करता। एंड देयरफॉर नेक्स्ट फंक्शन इज आयन एक्सचेंज। ठीक है, और लास्ट फंक्शन इसका लेंगे हम लोग कि इसके अंदर कुछ केमिकल्स ये स्टोर करके रख सकता जिसकी वजह से हमें या किसी ऑर्गेनिज्म को डिसीज होगा। सो दैट एबिलिटी इज कॉल्ड एज वायरुलेंसी। अगर वो पैथोजेनिक है, डिसीज फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके जो डिसीज फॉर्म करने वाले केमिकल्स है ये ग्लाइकोकैलिक्स में स्टोर करके रखता। सो स्टोरिंग केमिकल्स, स्टोरिंग केमिकल्स फॉर वायरुलेंस, बीमारी फैलाने वाले केमिकल्स, वायरुलेंस, ये भी उसका एक फंक्शन है। हैव यू रिटन ऑल दी फंक्शंस स्टूडेंट्स? लिख लिया आप लोगों ने? गुड, यस सर, यस सर, यस सर, यस, चलो यस सर, दैट इज नाइस, दैट इज वेरी गुड थिंग, आप लोगों ने लिखा, बढ़िया हो गया। अब म्यूसिलेज के बारे में हमारा पढ़ाई कंप्लीट हो गया, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में हमारा पढ़ाई कंप्लीट हो गया। उसके बाद का जो लेयर है क्या नाम है उसका, बोलो, उसके बाद का लेयर ग्लाइकोकैलिक्स के बाद। सेल वॉल, वेरी का वेरी नाइस। सो सेकंड लेयर के सेल बाद, वॉल, बस करो, बंद करो, सेल वॉल, बंद करो माइक, बंद करो अपना अपना, हो गया, एक ने बोल दिया, हो गया। सो इट इज सेल वॉल। सेकंड लेयर के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और यहाँ पर हमें डिफरेंसेस पता लगेंगे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, सेल वॉल। ओके, सो सेल वॉल कैसा होता है? इट इज़ रिजिड बट इलास्टिक, है मजबूत, है लोहे के जैसा, लेकिन लोहा जैसा हम लोग उसको फोल्ड कर सकते वैसा ये भी होता है। ओके, मजबूती भी है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी है। सो इसके बारे में लिखेंगे, सेल वॉल के बारे में, इट इज द रिजिड, मजबूत है बट इलास्टिक कवरिंग है, इलास्टिक कवरिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल, ओके, ठीक है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सो इट इज इनर टू ग्लाइकोकैलिक्स, इट इज इनर, ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर है, इनर टू ग्लाइकोकैलिक्स, और आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन इतना लिख लिया, हो गया। या फिर हम लोग ऐड करेंगे आउटर टू एंड आउटर टू, आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया स्टेटमेंट। सेल वॉल रिजिड है, इलास्टिक है, इसकी वजह से क्या हो जाता? सेल वॉल प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन, इट प्रोवाइड शेप
एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, आपको समझ भी रहा, आपको लिखना भी है साथ साथ। ओके, ये प्रोटेक्ट कर रहा, शेप प्रोवाइड कर रहा। इट इज फ्रीली परमिएबल, इट इज फ्रीली परमिएबल, मतलब इसमें से कुछ सब्सटेंसेस जिनकी साइज छोटी है वो बाहर जा सकते, आ सकते। ऐसे कौन से सब्सटेंस? फ्रीली परमिएबल टू सोल्यूट्स लेस देन 10,000 डाल्टन्स। उसका अगर मॉलिकुलर वेट इतना है 10,000 डाल्टन्स के नीचे, तो ऐसे सब्सटेंसेस को वो फ्रीली परमिएबल है, और इससे ज़्यादा अगर बड़े हैं तो उनको परमिट नहीं करेगा। लेकिन इतने ही सब्सटेंसेस अंदर जा सकते, बाहर आ सकते, देयरफॉर इट इज़ फ्रीली परमिएबल, कोई रोक टोक नहीं है। जाओ, जाना है जाओ, आना है आओ। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर अबाउट दी सेल वॉल, सेल वॉल की ही बात कर रहे हैं अभी। सेल वॉल को अच्छी तरह से बोल्ड लिखो कि हम क्या कर रहे हैं, सेल वॉल के बारे में लिख रहे हैं। सो सेल वॉल के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन आप लिख रहे वो सेल वॉल की इन्फॉर्मेशन है, इसलिए सेल वॉल ये पॉइंट हमारा बोल्ड होना चाहिए। ओके, सेल वॉल इज सिंगल लेयर्ड, सेल वॉल इज सिंगल लेयर्ड। ठीक है, विथ थिकनेस, इसका थिकनेस कितना है? विथ थिकनेस ऑफ 20 to 80 नैनोमीटर, बहुत बारीक है, नैनोमीटर में है, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इसकी थिकनेस इतनी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज कि सेल वॉल की थिकनेस अगर हमने काउंट की ग्राम नेगेटिव, अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, तो वो कितनी है? इट इज 20 to 80 नैनोमीटर, nm नैनोमीटर, वेरी स्मॉल। ओके, अब बात करेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या कंडीशन है। तो इट इज टू लेयर्ड, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज टू लेयर्ड। ओके, विथ थिकनेस ऑफ 7.5 to 12 माइक्रोमीटर इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब दोनों की सेल वॉल का डिफरेंस हमें पता लग गया कि वहाँ पर थिकनेस क्या है, यहाँ पर थिकनेस क्या है, कहाँ पर सिंगल लेयर है, कहाँ पर डबल लेयर है। ओके, बाकी का जो डिफरेंस है और आगे आते रहेगा कि क्या क्या कंटेंट इसमें ज़्यादा है, क्या क्या कंटेंट और कम है, ये डिफरेंसेस के पॉइंट हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, बट वी आर राइटिंग अबाउट दी सेल वॉल। सेल वॉल कंटेंस, मीन सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, देयरफॉर सेल वॉल कंटेंस पेप्टिडोग्लाइकैन। इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं, आई विल आस्क यू द क्वेश्चंस। पेप्टिडोग्लाइकैन होता है, इसी का अल्टरनेटिव नाम म्यूरेन, ये अल्टरनेटिव नाम है इसका, पेप्टिडोग्लाइकैन। सर स्पेलिंग क्या है? MUREIN, एकदम क्लियर लिखा हुआ है, म्यूरेन। ओके, उसके बाद और क्या मिलेगा? तो फ्री अमाइनो एसिड्स। ओके, इंक्लूडिंग डाई अमीनो पेमेलिक एसिड, ये नाम इंपॉर्टेंट है, डाई अमीनो
पे में लिक एसिड। ओके, इसके अलावा और क्या मिलता, कॉमा करके आगे लिखेंगे, लिपिड्स, लिपिड्स, लिपिड्स मतलब फैटी मटेरियल, लिपिड्स भी होता है। और क्या मिलेगा, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स भी होते हैं सेल वॉल के अंदर। ओके, एंड नॉन सेल्यूलोजिक मतलब सेल्यूलोज नहीं होगा, नॉन सेल्यूलोजिक कार्बोहाइड्रेट्स, नॉन सेल्यूलोजिक कार्बोहाइड्रेट को अंडरलाइन करो, बाकी कॉमन बातें। ओके, अब ये दोनों में की बातें हैं, बैक्टीरिया अगर ग्राम पॉजिटिव है तो भी ये मटेरियल मिलेगा, ग्राम नेगेटिव है तो भी ये मटेरियल मिलेगा, लेकिन उनका परसेंटेज कम ज़्यादा होगा। जैसे कि लिपिड कंटेंट, लिपिड कंटेंट इज 20 to 30% इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, लिपिड का कंटेंट कितना है, 20 to 30% इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ओके, एंड ओनली 1 to 5% एंड ओनली 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5, 5% से ज़्यादा नहीं, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये डिफरेंस सेल वॉल का है, दोनों के सेल वॉल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन का अल्टरनेटिव नेम आपने क्या लिखा, म्यूरिन करेक्ट है, म्यूरिन म्यूरिन। म्यूरिन बस बस करो रे, सब लोग मत बोलो, एक किसी ने बोल दिया तो बस हो गया, आप लोग बहुत ही छोटे बच्चों के जैसे बिहेव कर रहे, आपको लगता कि मैंने बोलना चाहिए, मैंने बोलना चाहिए, लेकिन वो लाइव क्लास नहीं है, यहाँ पर टाइम वेस्ट हो जाता है, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। लाइव क्लासेस में ये बात चलेगी, मैं जिसको पूछूंगा उसको आंसर देना पड़ेगा, यहाँ पर कैसा है, वी आर नॉट इन फ्रंट ऑफ इच अदर। सो एक ने बोल दिया, आपका भी आंसर अगर वही है तो वाई यू आर टेलिंग अगेन एंड अगेन, आपका अगर दूसरा कुछ आंसर है तो बोलो। ओके, सो दिस इज नॉट करेक्ट, इट इज वेरी चाइल्डिश थिंग। ठीक है, तो पेप्टिडोग्लाइकैन, पेप्टिडो ग्लाइकैन इसका ऑब्लिक नेम हमने लिखा म्यूरेन, और एक ऑब्लिक नेम है इसको म्यूकोपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड। ये अल्टरनेटिव नाम वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज क्वेश्चन इस नाम से होगा या फिर म्यूरेन के नाम से होगा या फिर म्यूकोपेप्टाइड के नाम से होगा। अगर आपको अल्टरनेटिव नेम पता नहीं है तो आपको, इवन इफ यू आर नोविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, यू कैन नॉट राइट दी करेक्ट आंसर, देयर फॉर आपको अल्टरनेटिव नाम मैं दे रहा हूँ। ठीक है, इन द बिगिनिंग आपको ये देना पड़ेगा और आपको ये लिखना पड़ेगा, बाद में आपको हैबिट हो जाएगी कि क्या करना है। ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, तो पेप्टिडोग्लाइकैन, म्यूरेन और म्यूकोपेप्टाइड इज, ये क्या है, इज शुगर पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स, शुगर पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स। व्हाट डज इट मीन, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, ये दोनों का ये कॉम्प्लेक्स होता है, दोनों मिलके ये बनेगा, और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो फिर 3D स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनेगा इसका, इसकी वजह से ये मजबूती देता है स्ट्रक्चर को, सेल वॉल को। ओके, 3D स्ट्रक्चर ये बनेगा, ठीक है, इसका नेटवर्क बनाएगा वो। पेप्टिडोग्लाइकैन इज नथिंग बट द शुगर पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, इट हैज चेन्स ऑफ टू अल्टरनेट अमिनेटेड शुगर। अब इसके बाद की जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एंड दैट्स वाई यू हैव टू राइट इट वेरी करेक्टली, कोई गलती नहीं करना कि पेप्टिडोग्लाइकैन के बारे में हम लोग लिख रहे। सो ये पेप्टिडोग्लाइकैन के अंदर क्या होता है, सो इट हैज़ चेन्स
ऑफ टू अल्टरनेट अल्टरनेट ALTERNATE अल्टरनेट अमीनेटेड शुगर अमीनेटेड शुगर ठीक है। इसमें दो चेन होती है, किसकी दो चेन किसकी अल्टरनेट अमीनेटेड शुगर्स की। ओके वो शुगर के नाम हम लोग लिख लेंगे अभी, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन होता है कि कौन सी शुगर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। कॉमा करके आगे लिखेंगे एन एसिटिल ग्लूकोसा अमाइन एन एसिटिल ग्लूकोसा अमाइन ग्लूकोसा अमाइन एक शुगर होगी एन ग्लूकोसा अमाइन। इसको शॉर्ट फॉर्म एन ए जी बोलते हैं, एन फॉर एन ए फॉर एसिटिल एंड जी फॉर ग्लूकोसा अमाइन, सो दैट बिकम्स नाग। दूसरी शुगर है एंड दूसरी शुगर है एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, इसका शॉर्ट फॉर्म बनेगा एन ए एम, एन फॉर एन ए फॉर एसिटिल एंड एम फॉर म्यूरामिक एसिड, ये दोनों के शॉर्ट फॉर्म होंगे ठीक है। ये दो शुगर क्रॉस लिंक्ड होते हैं, क्रॉस लिंक्ड बाय क्रॉस लिंक्ड बाय स्मॉल पेप्टाइड्स ठीक है। स्मॉल पेप्टाइड्स होता है, ये दोनों शुगर का आपस में जो लिंकिंग होता है वो पेप्टाइड से होता है, पेप्टाइड स्मॉल पेप्टाइड उनको जोड़ देता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके अब देखिए ग्राम नेगेटिव में क्या कंडीशन है और ग्राम पॉजिटिव में क्या कंडीशन है इन शुगर के बारे में ठीक है। सो पेप्टिडोग्लाइकैन, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखेंगे पेप्टिडोग्लाइकैन मीन्स म्यूरेन और म्यूकोपेप्टाइड, ये उसके अल्टरनेट नाम है। पेप्टिडोग्लाइकैन कंस्टिट्यूट्स 70 to 80% ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर ज़्यादा क्या मिलेगा पेप्टिडोग्लाइकैन किसके सेल वॉल इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इस लाइन को अंडरलाइन करो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसको अंडरलाइन करो। पेप्टिडोग्लाइकैन कंस्टिट्यूट 70 to 80% ऑफ द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम नेगेटिव में क्या कंडीशन है, तो इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसकी सेल वॉल में इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकैन इज ओनली 10 to 20% ठीक है। नॉट कमिंग, यस 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 बोलिए। हाँ आई एम टेलिंग यू इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव लिखा हमने बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकैन इज ओनली 10 to 20%। आर एबल टू हियर मी, आवाज आ रही मेरी? यस सर। ओके 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 स्टूडेंट, सो हैव रिटन दिस पॉइंट इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकैन इज ओनली 10 to 20%, लिखा आप लोगों ने ये? यस यस सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आगे का पॉइंट हम लोग लेते सेल वॉल के ही बारे में, अभी डिस्कशन चल रहा, हम लोग डिस्क्राइब कर रहे सेल वॉल को एक के बाद एक ठीक है।
पेप्टिडोग्लाइकैन, फॉर्म्स सेवरल लैमेली, इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज उसका बहुत ज़्यादा है तो ये लैमेली फॉर्म करेगी। लैमेली का मतलब है ऐसे स्ट्रक्चर, लैमेली ये वाले स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर वो फॉर्म करेगा लैमेली। ओके, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द पेप्टिडोग्लाइकैन ऑकर्स ओनली इन इनर वॉल। ओके, तो डिफरेंस आ गया कि ये कंडीशन अलग है इसमें ग्राम नेगेटिव में। सो दैट वी आर गोइंग टू राइट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द पेप्टिडोग्लाइकैन, occurs only in inner 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 wall layer, अंदर का जो लेयर है वहीं पर ये मिलेगा, forming single lamellae, यहाँ पर single lamellae वो बनाएगा। ठीक है, लैमेली का प्लूरल है लैमेला, सिंगल लैमेला, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज बहुत ही कम है पेप्टिडोग्लाइकैन का। ओके, एंड दैट्स वाई यहाँ पर सिंगल लैमेली वो बनाएगा। नेक्स्ट थिंग, इसके आगे द आउटर वॉल लेयर नेगेटिव बैक्टीरिया में, ग्राम नेगेटिव में वॉल कैसे बनती है। द आउटर वॉल लेयर, क्योंकि अंदर से पेप्टिडोग्लाइकैन है, फिर बाहर से क्या है, तो आउटर वॉल लेयर ऑफ दीज बैक्टीरिया मींस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ओके, ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन। क्योंकि वो दो लेयर बनाता ना, आउटर मेम्ब्रेन। ओके, फिर ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन और ये अंदर का पेप्टिडोग्लाइकैन है, तो दोनों के बीच में यहाँ पर फ्लूइड मिलेगा हमें, जेली लाइक फ्लूइड। ओके, तो वहाँ पर इट ऑकर्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द सेल वॉल। ठीक है, तो ये आउटर जो मेम्ब्रेन है कंटेन्स फॉस्फोलिपिड, वी आर गोइंग टू राइट आउटर मेम्ब्रेन द आउटर वॉल लेयर कंटेन्स फॉस्फोलिपिड, लिपिड का टाइप है फॉस्फो लिपिड, जिसके साथ फॉस्फोरस ज्वाइंट हो गया, दे आर कॉल्ड एज फॉस्फो लिपिड्स आउटर लेयर में। और प्रोटीन्स आउटर लेयर में एंड लाइपोपॉलीसेकेराइड मींस लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, ये भी होगा, दैट इज कॉल्ड एज लाइपोपॉलीसेकेराइड, लाइपो पॉलीसेकेराइड्स ये होगा यहाँ पर आउटर लेयर में। ओके, ये जो आउटर लेयर है इसमें पोर्स होते हैं। ओके, और वो पोर्स बनाने का काम कौन कर रहा, प्रोटीन्स कर रहे, उस प्रोटीन का नाम है, जिन्होंने पोर्स बनाए उस प्रोटीन का नाम है पोरिन्स, जो कि चैनल या फिर टनल बना देता है, छेद बना देता है इस लेयर में। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू राइट दिस लेयर मीन्स आउटर लेयर। ओके, दिस लेयर पजिसेस पोरिन्स, करेक्ट है। ये क्या है पोरिन्स, क्या है
तो उसका ऑब्लिक देके हम लोग लिखेंगे प्रोटीन लाइन चैनल, प्रोटीन की चैनल है ये, प्रोटीन लाइन चैनल, चैनल का मतलब छेद है, ओके, प्रोटीन लाइन चैनल आर कॉल्ड पोरिंस, ओके। किस बात के लिए? फॉर पैसेज ऑफ, फॉर पैसेज रास्ता है ये, पैसेज ऑफ लो, पैसेज ऑफ लो मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस, मतलब पानी में घुलने वाले जो सब्सटेंसेस है दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस। इसके बाद लिखो सब्सटेंसेस, ओके, सब्सटेंसेस लिखा आप लोगों ने? यस यस सर। सो आउटर लेयर पजेस पोरिंस, वेरी इंपॉर्टेंट है। पोरिंस क्या है? तो प्रोटीन लाइन चैनल है, छेद है, ऐसा प्रोटीन वाला छेद है, ये प्रोटीन है इसके अंदर छेद है, ऐसे इसको बोलते हैं पोरिंस। किस बात के लिए? फॉर पैसेज ऑफ लो मॉलिकुलर वेट हाइड्रोफिलिक, मतलब पानी के अंदर जो मिक्स होते सब्सटेंसेस उसके लिए ये छेद होता है, ठीक है। उसके बाद एंटीजेनिक प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है कि कुछ केमिकल्स होते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर, ठीक है, वो टॉक्सिन्स के जैसा काम करते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर चला गया तो उससे हमें डिसीज़ होता है, तो डिसीज़ क्यों हुआ? तो एंटीजेनिक सब्सटेंसेस के वजह से हुआ। सो बोथ एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ एंड एंडोटॉक्सिन्स रिसाइड इन द आउटर वॉल लेयर और मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट, मैं समझा देता हूँ आपको। तो इसमें क्या होता है, आउटर लेयर में बोथ, इस लेयर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, बोथ एंटीजेनिक एंड एंडोटॉक्सिन्स, एंडोटॉक्सिन्स रिसाइड्स, रिसाइड रिसाइड लिखेंगे, रिसाइड इन द आउटर वॉल लेयर ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से डिसीज होता हमें, इसकी वजह से जो भी डिसीजेस आर कॉज्ड इन एनिमल प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग, ये इसकी वजह से कि आउटर लेयर की वजह से, क्योंकि वहाँ पर एंटीजेनिक एंड एंडोटॉक्सिन्स आर रिसाइडिंग देयर, वहाँ पर होते हैं, रिसाइड होते मतलब होते रहते हैं वहाँ पर आउटर लेयर में, और यही तो कॉज है कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ज़्यादा डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं दैन ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव से हमें डिसीज ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम है ऐसे बैक्टीरिया के जिनके वजह से डिसीज होगा, लेकिन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की वजह से डिसीजेस होते हैं, ये कॉज है उसके पीछे। आपको समझ में आया कि ये बैक्टीरिया क्यों हार्मफुल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो कि ग्राम निगेटिव है, तो उनके आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल वॉल में क्या होता है, एंटीजेनिक एज वेल एज एंडोटॉक्सिन्स छिपे होते हैं, इसकी वजह से दे आर हार्मफुल, ओके। लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द वॉल कंटेन्स, वॉल मीन्स सेल वॉल, कंटेन्स टीकोइक एसिड, टीकोइक एसिड, ओके। ये टीकोइक एसिड कैसे बने, फॉर्म्ड ऑफ ग्लूकोज फॉस्फेट एंड अल्कोहल, इससे बना टीकोइक एसिड, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव के वॉल में टीकोइक एसिड होता है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में नहीं होगा, ये डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से
भी डिसीजेस हो सकते हैं। ये टिकोइक एसिड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सम डिसीजेस एंड दैट्स वाई वी आर सेइंग दे एक्ट एज सरफेस एंटीजन। इनको सरफेस एंटीजन कहा जाता है। एंटीजन आर द सब्सटेंसेस। सर सर हाँ सर ये सेंटेंस रिपीट कीजिए ना। टिकोइक एसिड वाला यस सर हाँ इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द सेल वॉल कंटेन्स टिकोइक एसिड्स फॉर्म्ड ऑफ ग्लूकोज फॉस्फेट एंड अल्कोहल। दे एक्ट एज सरफेस एंटीजन। इसका सरफेस एंटीजन के जैसा यूज हो रहा सरफेस एंटीजेंस ये टिकोइक एसिड्स। ओके टिकोइक एसिड आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्सेस ऑफ केमिकल्स विथ सम आयन्स जैसे कि मैग्नीशियम आयन इसके पास होगा प्रोटेक्शन के लिए टेम्परेचर से पीएच से अगर प्रोटेक्ट करना है बैक्टीरिया को तो इसके साथ वो मैग्नीशियम जोड़ देता फिर प्रोटेक्शन के लिए काम में आता। तो ये भी लिखेंगे टिकोइक एसिड सर कॉम्प्लेक्स विथ टिकोइक एसिड्स आर कॉम्प्लेक्स विथ सम केमिकल्स एग्जाम्पल मैग्नीशियम Mg सम केमिकल्स का एग्जाम्पल लिया मैग्नीशियम फॉर प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन के लिए वो कर लेता है ऐसा फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट किसके विरोध में प्रोटेक्शन चाहिए अगेंस्ट ड्रास्टिक चेंजेस। बहुत ज़्यादा चेंज अगर हुआ तो दैट इज कॉल्ड एज ड्रास्टिक चेंज ड्रास्टिक चेंजेस इन टेम्परेचर एंड pH pH अगर बदल दिया टेम्परेचर बदल दिया तो इसको प्रोटेक्शन चाहिए इसलिए टिकोइक एसिड के साथ कुछ केमिकल्स को अटैच कर देता और उससे वो प्रोटेक्ट हो जाता। ठीक है सो दिस इज अबाउट द सेल वॉल। ओके कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हमें माइकोलिक एसिड भी मिलेगा। सर चेंज की बात क्या है? चेंजेस इन टेम्परेचर एंड pH चेंजेस इन टेम्परेचर एंड pH यस सर हाँ ठीक है ओके इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट बात हम लोग सेल वॉल के बारे में एक दो लाइन फिर से लिख लेंगे। बहुत छोटी सी लाइन हम लोग लिख लेंगे कि कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ओके इन सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पार्ट ऑफ सेल वॉल कंटेन्स लॉन्ग चेन फैटी एसिड। किसी का माइक ऑन है बंद करो माइक। ओके सर फैटी एसिड्स कॉल्ड माइकोलिक एसिड माइकोलिक एसिड माइकोलिक एसिड। ठीक है इसमें ये भी होगा माइकोलिक एसिड कहाँ पर ग्राम पॉजिटिव में। टिकोइक एसिड भी होता और माइकोलिक एसिड भी लेकिन माइकोलिक एसिड कॉमन नहीं है सम बैक्टीरिया में होता है ये सारे बैक्टीरिया में नहीं होता लेकिन टिकोइक एसिड सारे बैक्टीरिया के सेल वॉल में मिलेगा हमें। ठीक है अब सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका इनर लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ये दोनों के बीच में सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स हो गया उसके बाद सेल वॉल हो गया उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर एक स्पेस बन गया
इस स्पेस का नाम है पेरी प्लाज्मिक स्पेस। हम लिखेंगे स्पेस ऑकर, स्पेस ऑकर इन। अब सिलवाल का कंटेंट हमारा फिनिश हो गया। आप लोग अभी ये नया टॉपिक, मतलब ये स्पेस के बारे में हम लोग लिख रहे हैं कि ये क्या है। ओके, तो अ स्पेस ऑकर बिटवीन सिलवाल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑकर्स इन बिटवीन सिलवाल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज कॉल्ड पेरी प्लाज्मिक स्पेस। इट इज कॉल्ड पेरी प्लाज्मिक स्पेस, पेरी प्लाज्मिक स्पेस। ओके, अगर बैक्टीरिया को मारना है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। एंटीबायोटिक्स क्या होते? दीज आर दी केमिकल्स प्रोड्यूस बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर यूज टू किल अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक केमिकल किसी माइक्रोब्स ने प्रोड्यूस किया दूसरों को मारने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, उस केमिकल का नाम है एंटीबायोटिक्स। जैसे कि पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, ये वाले। ओके, तो ऐसे जो एंटीबायोटिक्स हैं वो पेप्टिडोग्लाइकैन को लूज कर देते। ओके, और कुछ केमिकल्स है जैसे कि लाइसोजाइम, इंटीरियर्स, सलाइवा, हाइड्रोलाइसिस पेप्टिडोग्लाइकैन। मीन्स पेप्टिडोग्लाइकैन के ऊपर किसका इफेक्ट हो रहा? एंटीबायोटिक्स का हो रहा, देयरआफ्टर लाइसोजाइम का हो रहा। सो वी आर गोइंग टू राइट पेप्टिडोग्लाइकैन आर डैमेज बाय पेप्टिडो ग्लाइकैन्स आर डिस्ट्रक्टेड, वी कैन से डिस्ट्रक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का डेफिनेशन मैंने अभी आपको बोल दिया। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? कुछ माइक्रोब्स केमिकल्स प्रोड्यूस कर देते और वो केमिकल्स दूसरे माइक्रोब्स को मार डालते। द केमिकल्स विच इज प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इज रिस्पॉन्स। सर, सर, हेलो सर, बोलो। पेप्टिग्लाइकेंस के बारे बात क्या है? डिस्ट्रक्टेड, आर डिस्ट्रक्टेड, ए आर ई आर डिस्ट्रक्टेड, डी आई एस टी आर यू सी टी ई डी, डिस्ट्रक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स एंड लाइसोजाइम, लाइसोजाइम्स। ये लाइसोजाइम्स, ये केमिकल्स हमारे सलाइवा में होते हैं, हमारे टीयर्स में होते हैं, टीयर्स एंड सलाइवा में ये केमिकल्स होते हैं लाइसोजाइम, जो कि सेल वाल को ब्रेक करने के लिए काम में आते। एंड दैट्स वाई हमारे बॉडी के अंदर अगर बहुत सारे माइक्रोब्स चले गए तो उनको हमारी बॉडी मार डालती है विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम। आँखों में अगर कुछ चला गया तो उसको लाइसोजाइम मारेगा बैक्टीरिया को। ओके, सो थर्ड पॉइंट वी विल सी टुमारो, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हेडिंग आप डाल के रखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टुमारो मीन्स नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। ओके सर, बाय। चलो ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, बाय सर।